सो गाइज मैं हूँ अमित सर, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुंबई के वीडियो देखे, काफी अच्छे लगे उनको, और उन्होंने बोला कि सर पुणे यूनिवर्सिटी में डालो। मास्टर में बता दूं गाइज, अगर आप एमएससी सिटी दे रहे हो तो दो यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओके, आपके करियर के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी, इसमें आपको ट्राई करना ही चाहिए एडमिशन के लिए, ओके। और पुणे यूनिवर्सिटी पर डिटेल में लेके आया हूं, 73 कॉलेजेस जो डीटी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एमएससी के थ्रू एडमिशन होती है, और सारे नॉर्म्स चेक क्लियर है। नॉर्म्स चेक मतलब आप इसमें एडमिशन आराम से ले सकते हो, कोई भी रूल रेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। और सिटी के थ्रू इसमें एडमिशन होती है, सारे डिटेल में लेके आया हूं, आप देख सकते हो यहां पर कि एकेडमिक ईयर 22-23 का ये पूरा डेटा है, ओके। और जो फीस की पूरा डिटेल है, वो फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो महाराष्ट्र की होती है वहाँ से डिटेल ली गई है। कट ऑफ के डिटेल जो है आपके सिटी के स्टेट सिटी सेल से लिया गया है, और बाकी डिटेल भी इस तरह से कॉलेज के वेबसाइट और बाकी चीज़ों से उठाया, बट एकदम ऑथेंटिक डेटा है, ओके। बिकॉज FRA जो गवर्नमेंट बॉडी होती है जो पूरा फीस डिसाइड करती है, उससे डिटेल लिया गया है, और स्टेट सिटी सेल जो आपको पता है एडमिशन पूरा क्या प्रोसेस देखती है, उनसे डिटेल लिया गया है, ओके। तो ये है आपके रेगुलर पर ईयर फीस, ये चॉइस कोड है, हर एक कॉलेज का चॉइस कोड अलग होता है, कॉलेज के अंदर जो ब्रांचेस होते हैं CS उसका चॉइस कोड अलग होता है, IT का अलग, AIDS का अलग। तो ये पूरा CS का डेटा आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस अकेडमी 2023 का डेटा, ये पूरा डिटेल है। पॉपुलर नेम जो है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपको मालूम पड़े, और पुणे को मैंने रेड मार्क किया ताकि मालूम पड़े, हाँ ये पूरे पूरे पुणे लोकेशन का, गवर्नमेंट कॉलेज में ये एक ही आता है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। उसके साथ ये TFWS का है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए सिर्फ ये एक रीजन है। तो मैं आपको बताऊंगा, बच्चा आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, TFWS एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें ओपन वाले, कास्ट वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ आयता दाखला होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तहसील ऑफिस से बनाई हुई, जिसकी इनकम 8 लाख से लेस होनी चाहिए, ओके। अगर आपने वो आपकी बना ली तो आप TFWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में। हर एक कॉलेज में 3% के आसपास की सीट जो होती है TFWS कैटेगरी में होती है, जिसकी फीस 9 से 10 हज़ार के आसपास होती है, या बोल सकते हो कॉलेज के टोटल फीस से 9-10% के आसपास होती है, तो आप अफोर्ड कर पाओगे फिर। और ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, हाँ इसका कट ऑफ अलग होता है, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, फिर ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल कट ऑफ है, करेक्ट। तो उस बंदे का स्टेट मेरिट रैंक भी मैंने दिया हुआ है, एमएससी सिटी में स्टेट मेरिट रैंक आपका डिक्लेयर होगा, ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, तो वो स्टेट मेरिट रैंक भी मैंने दिया हुआ है लास्ट करंट का, जिसमें इस कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन लिया है। तो चलिए हम लोग पूरा देखेंगे, सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे ले ली, विजुअल है, बीच-बीच में साइड हो जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओ, और मैं सिर्फ परसेंटाइल पे फोकस करूंगा, फीस तो आप देख ही पाओगे सर, करेक्ट। और जहां पर भी चॉइस कोड में लास्ट में F होगा, उसका मतलब वो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, तो उसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कमिंस कॉलेज है, बहुत फेमस है। तो पहला फोटो या पहला आप ये जो इमेज देख रहे हो, ये है टॉप 10 कॉलेजेस का या 11 कॉलेजेस की लिस्ट है, देख सकते हो। सबसे पहले COEP सबका ड्रीम कॉलेज, जिसमें एवरेज पैकेज जो है 18 लाख से 25 लाख के बीच में, और हाईएस्ट पैकेज जो इस साल गया है 45 लाख में, ओके। सॉफ्ट लैब जो है US की कंपनी है, और साथ ही साथ में 166 लाख का भी पैकेज गया जो अनडिस्क्लोज है, अनडिस्क्लोज इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने नेम रिवील नहीं किया, बट वो सारे डेटा जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर कमेंट पे अगर आप कमेंट करते हो, ओके, तो मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो, अगर आप वेबसाइट पे नहीं ढूंढ पा रहे हो डिटेल, तो प्लेसमेंट डिटेल। तो यहाँ पर 99.91% कट ऑफ है, ओपन कैटेगरी TFWS का भी सेम है 99.91, और लास्ट कैटेगरी का स्टेटमेंट नंबर है ओपन कैटेगरी में 97 रैंक इन महाराष्ट्र। देन PICT अपना बेस्ट कॉलेज धंकेवाड़ी में, अपना ये 99.69% कट ऑफ। VIT के दो ब्रांचेस है, VIT और VIII, तो VIT का है 99.02, और PPCOE जो है पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके भी दो ब्रांचेस है, ये पहले ब्रांच है 98.55% कट ऑफ है, ओके। कमिंस कॉलेज MKKS कमिंस कॉलेज करवे नगर में पड़ता है अपना, ये EWS TFWS सीट नहीं होती है ऐसे कॉलेज में, यहाँ पर कोएड नहीं हो, तो यहाँ पर EWS का मैंने डिटेल डाला है, 98.30 ओपन कैटेगरी कट ऑफ है। देन VIIT मतलब VIIT का दूसरा ब्रांच, उनका जो है ट्रस्ट सेम है BRAACT, ओके, बंसीलाल रामनाथ ऐसा फुल नेम है उनका, ओके। ये कोंडवा में पड़ता है अपना, ये धंकेवाड़ी में, ये कोंडवा में, दोनों दो लोकेशन पे 97.98% कट ऑफ है दोनों भी। वो ये जो पहला इमेज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये टॉप कॉलेजेस है, ना कि सिर्फ पुणे के बल्कि महाराष्ट्र के, ओके। देन ये PVG कॉलेज अपना हो गया, ओके, इसका GK पाटिल वानी इंस्टीट्यूट, ये भी नाम से फेमस है, वो 97.75% कट ऑफ है PVG। DY पाटिल के टोटल 4 ब्रांचेस है पुणे में, ओके, तो ये DY पाटिल का पहला नाम आ गया। या आकूटी वाला सबसे ज्यादा फेमस हो, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट वाले के लिए पॉपुलर है, 96.66% कट ऑफ है, और वो साइड स्टेटमेंट रैंक, और ये साइड आपको फीस भी दिख रहा होगा, फीस भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। देन PCOE का मतलब पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाला रावत में है दूसरा ब्रांच, ओके,
तो ये दूसरे ब्रांच का डिटेल आप देख सकते हो। फिर ये जीएसपीएम के भी चार कॉलेज है अलग अलग नाम से, जैसे राजश्री साहू के नाम से एक कॉलेज है तातोड़े में। ओके, एआईएसएसएम के दो ब्रांच है। ओके, फर्स्ट ब्रांच का यहाँ पर डिटेल है, आप देख सकते हो 95.95% कट ऑफ है, आप देख पाओगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से यह पूरा डिटेल है। और पीपीसीयू का दूसरे ब्रांच का 96.46, डीवाई पाटिल 96.66, 96.15, सारे आपके स्क्रीन पे क्लियरली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉप 11 कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर सीरियल नंबर है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दूसरा लिस्ट आ गया, यहाँ पर आप देख पाओगे 12 to 22, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये एमआईटी कॉलेज एलएनडी में 95.61% कट ऑफ। एआईएसएसएम का सेकंड ब्रांच, मैंने बोला था दो ब्रांच है, दोनों के चॉइस कोड अलग है। जब भी मैं ब्रांचेस बोल रहा हूँ तो उनके चॉइस कोड अलग है। अगर आप उस कॉलेज के पर्टिकुलर सारे चॉइस कोड में अप्लाई करना चाहते हो तो सारे चॉइस कोड आपको पता होना चाहिए, चॉइस कोड। तो ये एसएम का सेकंड ब्रांच है, 95.38% कट ऑफ। ट्रिपल आईटी, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि मुझे ट्रिपल आईटी में जाना है, तो यहाँ पर ट्रिपल आईटी का कट ऑफ आप देख सकते हो 94.71। पर्टिकुलर सेकंड ब्रांच, पहला ब्रांच मैंने ऑलरेडी देखा आकुड़ी में है, ये दूसरा ब्रांच है पिंपरी में, ये भी बहुत अच्छा है 94.51। ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज 94.51% कट ऑफ है। फीस वाला डिटेल आप यहीं से देख सकते हो पूरा, स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट लेने में बोला था। और ये देखिए मराठवाड़ा मित्र मंडल 94.04% कट ऑफ। सियागढ़ के भी चार ब्रांचेस है, एक जो है यहां पर अपना देख सकते हो वाड़गांव में बीके रोड, ओके, भीमा कोरेगांव 93.56। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज, इसके भी दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच में कोएड है, ये वाला ब्रांच जो है कोएड है, एक और ब्रांच आप आगे देखोगे जिसमें सिर्फ फीमेल के लिए है, ओके 93.46 है, ये ओपन कैटेगरी का है, ये DWS कैटेगरी का, तो मैं ओपन कैटेगरी का रिलेट कर रहा हूँ। मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 92.93। और भारतीय विद्यापीठ का दूसरा ब्रांच, जैसे मैंने आपको बोला था, ये वाला ओनली फॉर फीमेल है, ये धंकेवाड़ी में है अपना, ओके, ओनली फॉर फीमेल, पहला वाला कोएड था, ओके, तो ये भी अपने आप देख सकते हो, ये भी टॉप 20 कॉलेजेस में आते गाइस, ये हम लोगों ने देखा, ये पूरा टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं पुणे में। 73 कॉलेज का पूरा लिस्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे, आप देखते हो सीरियल नंबर हम लोग कहां पर पहुंच चुके, 22 हमने कवर किया, 23 पे पहुंच चुके हम लोग। ये सर फीस है, फीस में रीड नहीं कर रहा हूं, बट आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, पर ईयर फीस है वो, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट सेट कर सकते हो। पूरा कंप्यूटर साइंस का डिटेल है पूरा गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए विद्या प्रतिष्ठान कमल नयन बजाज इंस्टीट्यूट 91.48% कट ऑफ है। बारामती में जीएस रासायनिक कॉलेज वागोली 91.25। जीएसपीएम का मैंने जैसे बोला चार ब्रांच है, ये दूसरा वाला आ गया, पहला वाला राजश्री साहू था, दूसरा ये जयवंत राव सवंत कॉलेज है 90.52। सियागढ़ का ये तीसरा ब्रांच है, दूसरा ये तीसरा ब्रांच है सियागढ़, पहले हम लोगों ने देखा था, अब ये दूसरा वाला है 90.40। ये सियागढ़ का जो सेकंड ब्रांच, इसका नाम है काशीबाई नवाले कॉलेज, ये अपना वाड़गांव में पड़ता है। ओके, फिर ये नूतन के भी दो ब्रांचेस है, ये नूतन का पहला ब्रांच है नूतन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट तालेगांव में है, 89.92% कट ऑफ है। देन ये जेएसपीएम का तीसरा ब्रांच है राजश्री साहू कॉलेज के नाम से, नारे टेक्निकल कैंपस, जेएसपीएम नारे टेक्निकल कैंपस, ये कॉलेज पॉपुलर है ये नाम से, चॉइस कोड आप ये साइड पे देख सकते हो, चॉइस कोड एंड फीस रिस्पेक्टिव। ओके, मैं हट भी जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। ओके, तो यहाँ पर 89.27 है। जीएसपीएम जो एक इंस्टीट्यूट जैसे मैंने बोला उसके चार ब्रांचेस है, देखिए यहाँ पर ये तीसरा या चौथा ब्रांच आ चुका है, इंपीरियल कॉलेज के नाम से फेमस है वागोली में, 89.06% कट ऑफ है। देन ये टीएसएसएम के वसंतदादा पाटिल इंस्टीट्यूट भावदान में 88.80। डीवाई पाटिल का ये तीसरा या चौथा ब्रांच है जिसका नाम है अजिंक्य डीवाई पाटिल, ओके, ये लोहेगांव में पड़ता है, ये अलग अलग लोकेशन पे है, तो जब डीवाई पाटिल का आप नाम अपने लिस्ट में डालना चाहते हो तो लोकेशन चेक कर लो कि आपकी लोकेशन कौन सी पड़ रही है, 87.43। देन सियागढ़ का ये चौथा ब्रांच, ओके, 87.28। सियागढ़ का ये आई थिंक ये तीसरा था, ये वाला चौथा है, ये सियागढ़ टेक्निकल कैंपस, ये वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा हो आपको, नारे अंबेगांव में है ये 87.02। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा डिटेल, ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया। और ये 33 तक हम लोगों ने देख लिया, आप लोग हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये आगे हम लोग, ओके, फिर इंदिरा कॉलेज एमबीए के लिए ज्यादा जाने जाता है पुणे में, टॉप 10 कॉलेज में आता है एमबीए के लिए, बट ये इंजीनियरिंग के लिए भी काफी अच्छा है, ओके, 86.87% कट ऑफ है। आईएसबीएम, ओके, जिसका एक ब्रांच मुंबई में भी है एमबीए के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए 85.86। देन ये टीएसएसएम का, जैसे मैंने बोला तीन ब्रांच है टीएसएसएम के, ये वाला सेकंड या तीसरा है, भीवराबाई सावंत कॉलेज नरे में है ये 85.68। सियागढ़ कॉलेज, अगेन सियागढ़ का टोटल 4 या 5 ब्रांचेस है मेरे अकॉर्डिंग, अगर जो भी मैंने लिस्ट में इंक्लूड किया है, ओके, तो ये वाला अपना आप देख सकते हो कहाँ पर है, कोंडवा ससवल रोड के पास है, ओके, 85.63% कट ऑफ है। मराठा मित्र मंडल का सेकंड ब्रांच आ गया 85.60, ओके, देन ये अपना जीएसपीएम का यहाँ पर फुल नेम दिया है मैंने जानबूझ के, कि आपको मालूम पड़े मैं जीएसपीएम बार बार बोल रहा हूँ, ये है क्या, तो ये एक ट्रस्ट है जयवंत शिक्षण प्रशासक मंडल, जिसके ऑलमोस्ट पुणे में 3 या 4 ब्रांचेस है, ओके,
तो ये दूसरा ब्रांच हो गया वागोली वाला 85.02, ओके, जील एजुकेशन, जील कॉलेज 84.86, ये देखिए सियागढ़ टेक्निकल कैंपस, ये देखिए सियागढ़ का अपना एक और ब्रांच दिख रहा है वर्जे 84.68, धोले पाटिल कॉलेज 83.32, अनंतराव पवार कॉलेज 83.32 और ट्रिनिटी अकेडमी 83.25। बाकी ये फीस आपके स्क्रीन में क्लियरली विजिबल है, आगे हम लोग और देखने वाले, बट यहाँ तक के कॉलेजेस जो मैं बोलूँगा इस, ये सिर्फ पुणे में नहीं महाराष्ट्र में बेस्ट कॉलेजेस, आप कट ऑफ देख सकते हो, सब 80 एंड अबव है। तो 80 एंड अबव कॉलेजेस में आप आँख बंद करके आराम से एडमिशन ले सकते हो। इस सारे कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी मिलेंगी और बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर की टीम है, लैब है आपकी, प्रॉपरली प्रैक्टिकल्स होती है, सारी चीजें अच्छी है। ओके, यहां तक जो मैं बोल रहा हूँ यहां तक, इसके आगे के भी कॉलेज हम लोग देखेंगे। ओके, आगे देखिए यहाँ पर पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन 83.22, देन ये शिवनगर विद्या प्रसंग मंडल मालेगांव में 82.38, बारामती में पड़ता है, ट्रिनिटी कॉलेज 80.93, डीवाई पाटिल का ये एक और ब्रांच है, ये ब्रांच इनोवेशन के नाम से फेमस है, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन 80.45, आई थिंक ये चौथा ब्रांच होगा। और जेनबा का दो ब्रांच है, ओके, एक तो ये रहा पर्वती भाई जेनबा मोजे कॉलेज वागोली 79.53, यूनिवर्सल कॉलेज 79.47, सियागढ़ इंस्टीट्यूट, ये आई थिंक चौथा या पाँचवा वाला है। ओके, ये वाला एक सियागढ़ का कॉलेज है जो लोना वाला में पड़ता है, जो मुंबई और पुणे के बीच में आता है, ओके 78.48, तो ये मतलब मुंबई पुणे के बीच में आता है, तो मुंबई और पुणे दोनों से दूर है। ओके, तो यहाँ पर पीजी लेके आपको रहना पड़ेगा। नूतन कॉलेज, नूतन का मैंने बोला था दो ब्रांच है, एक नूतन महाराष्ट्र था और ये दूसरा है नूतन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ताड़ेगांव 78.35, और ये अल्लड़ कॉलेज 78.06। ओके, तो इस तरह से वो मैं स्क्रीनशॉट या तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे, सारे डिटेल आपके स्क्रीन के सामने है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लिस्ट की तरफ, नेक्स्ट लिस्ट आ गया, एक सेकंड, पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ये वाला आई थिंक अपन ने कवर कर लिया है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये हम लोगों ने ट्रिनिटी का कॉलेज कवर किया था, फिर हम लोगों ने ये वाला भी कवर कर लिया। हाँ, ये अभी 6 नंबर का आ गया स्लाइड अपना। ओके, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे जेनबा का ये सेकंड ब्रांच है, जैसे मैंने बोला था दो ब्रांच होते हैं उसके, 77.60 ये बनर बालेवाड़ी में है, सियागढ़ का ये फिफ्थ या सिक्स ब्रांच होगा कुसगांव में 77.03, जय हिंद कॉलेज 74.52% कट ऑफ है, केजे कॉलेज 74.51, कीस्टोन 74.23, पीके टेक्निकल कैंपस 72.64, सिद्धांत कॉलेज 72.64, रामचंद्र कॉलेज 72.58। ओके, लोकेशन भी आपको मैंने दिया, जैसे ये मवल में है, लोनीकंड में है, राजौरी में है, सहद्री वैली कॉलेज। अब ये एड्रेस मैंने क्यों दिया है, बिकॉज जब आप प्लान कर रहे हो, आप आउट ऑफ लोकेशन जा रहे हो, बहुत सारे कॉलेज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पुणे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बिकॉज पुणे यूनिवर्सिटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आती है, इनफैक्ट इसकी रैंकिंग आई थिंक 60-70 के बीच में पड़ती है। ओके, तो इट इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन मिलना चाहिए ना भाई, वो कॉलेज तो ठीक है पुणे में, ठीक है, बट पुणे में एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप प्रॉपरली मैप में चेक कर पाओगे। विद्या प्रसन्नी सभा 69.60 लोना वाला, देन ये राजगढ़ ज्ञानपीठ टेक्निकल कैंपस दंगेवाड़ी भोर 67.97। एक और डाउट था बच्चों का पहले कि सर डीवाई पटेल के इतने ब्रांच है, सियागढ़ के सर इतने सारे ब्रांच है, कैसे मालूम पड़ेगा, सब पुणे में भी है तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई कौन सा वाला किधर है, तो इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक एड्रेस भी दिया जो आपको प्रॉपरली लोकेशन मालूम पड़े। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट कौन सा है, नौ सह्याद्री यहाँ पर देख सकते हो 70 एंड बिलो है ये पूरे, समर्थ ग्रुप इंस्टीट्यूट जुन्नर 67.11, सुमन रमेश टेक्निकल कैंपस 63.09, साजी एस बी पाटिल कॉलेज 63.05, अलमीन एजुकेशन ओके 60.73, डब्ल्यू एस सीट नहीं है इसलिए डैश है वो, और श्री गजानन शरद चंद्र पवार 57.44, दत्तकला ग्रुप 56.77, और शरद चंद्र पवार ये एवरेज कॉलेजेस है 52.82, और ये अभिनव एजुकेशन ये जो लास्ट वाला है 41.48। तो इसके पहले वाला जो लिस्ट था सिक्स, मतलब स्लाइड सिक्स तक काफ़ी अच्छे कॉलेजेस थे, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये एक एवरेज आपके लिए साबित हो सकता है। ओके, बट टॉप फाइव जो स्लाइड्स थे हमने देखा, दे आर द बेस्ट कॉलेजेस, नो डाउट दे आर द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, पांच स्लाइड तक, छठा स्लाइड भी ठीक है, एवरेज है। ओके, और कहीं नहीं मिल रहा है तो ये सातों स्लाइड आप यूज कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट या तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ओके, तो इस तरह से मैंने पुणे के 73 कॉलेजेस जो डीटी के अंदर आते हैं, AICTE अप्रूव्ड है, ओके, और जिसकी एडमिशन सीटी के थ्रू, और ये सारी चीज़ें मैंने देख के पूरा कवर अप करके सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से किया है, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए कलर फॉर्मेट मैंने यूज़ किया, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो, लाइक करो, आपको ये डिटेल मालूम पड़ा तो, बिकॉज ये अकेडमी का 2023 का एकदम लेटेस्ट डिटेल जो अभी 2023-24 के लिए यूज़ होने वाला है आपके लिए, MSTCET 2023 के एप्लीकेंट्स के लिए,
तो ये मुंबई का मैंने लेके आया, वो आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ओके, फिर पुणे का ये मैंने लेके आया, और कहीं लोकेशन का चाहिए तो आप पूछ सकते हो। ओके, स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो कमेंट में आप बताइए, हम उसके लिए एज सून एज पॉसिबल लेके आएंगे। और या लाइक जरूर कर देना गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन गाइस, ऑल द बेस्ट।